Let's start the revision today. So we will be revising from the chemical bonding. Chemical bonding में हम molecular orbital theory discuss करेंगे आज. Molecular orbital theory, that means this theory, it takes into account Gursimran, syllabus for the organic is the nomenclature part only, and the basic nomenclature, that is up to the functional groups या simple simple alkyl groups आएंगे बस. ठीक है, तो आपको सारे functional groups जरूर पता होने चाहिए, उनके first four at least derivatives, कैसे उनकी naming करनी है, first four derivatives के common names पता होने चाहिए. ठीक है, तो nomenclature यहाँ तक आएगी बस. राइट, या सिंपल सिंपल एल्काइल ग्रुप्स की ब्रांचिंग आएगी. कमिंग इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको हम एमओटी थ्योरी भी कहते हैं. नाउ दिस थ्योरी, इट टेक्स इनटू अकाउंट द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. हमें पता है कि जो एटम्स हैं, एटम्स दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. राइट, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वी विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट द कंसेप्ट ऑफ एटम. एटम्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो हम एटम्स के क्या लेंगे, ऑर्बिटल्स लेंगे. दो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के या दो सेम सेम एटम के ऑर्बिटल्स को हम क्या कर देंगे, वी विल बी कंबाइनिंग देम. ओके, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. राइट, नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द लीनियर combination of atomic orbitals. ये combination किसके base पे होता है, LCAO के base पे होता है, that is the linear combination of atomic orbitals. Okay, ये theory क्या कहती है, ऑर्बिटल्स जो हैं, कौन से ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, वो कैसे कंबाइन करेंगे, इट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर एडिशन और इट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, हम सेकंड चैप्टर में वेव फंक्शंस पढ़ के आए हैं, वेव फंक्शंस पढ़ के आए हैं. ठीक है, वहां पर हम क्या कहते हैं कि हर एक एटम के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण वेव फंक्शंस लिंक्ड होते हैं. ओके, तो अगर इसका एक वेव फंक्शन है एक एटॉमिक ऑर्बिटल का, वो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है. व्हेन इट इज एडिंग, जब दो चीजें ऐड होती हैं, टू प्लस टू करोगे तो फोर बनेगा, वो बड़ा नंबर बनेगा. दैट मींस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, ये टू था, ये टू था, दोनों को एड कर दिया, फोर बन गया, दैट इज अ बिगर नंबर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो बढ़ जाएगी. ओके, now in the same way if I am going to do the subtraction, अब मैं इन दोनों को क्या कर रही हूँ, मैं इन दोनों को माइनस कर रही हूँ. ओके, सो व्हेन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द अनदर एटम, तो हमारे पास क्या आता है, जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ऐसे ही होगा, माइनस करोगे तो नंबर छोटा हो जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो एडिशन होके आते हैं हम इनको कौन से ऑर्बिटल्स कहते हैं, बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं. जो सब्ट्रैक्ट होके आते हैं हम इनको कौन से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग. Now this is not atomic, this is molecular orbital. Anti-bonding molecular orbitals. Clear हुआ इतना? Clear है बेटा? ठीक है? बाकी filling वाले सारे rule हमने वैसे ही याद रखने हैं, Pauli exclusion principle, Hund's rule and Aufbau principle. ठीक है? क्या क्या होते हैं Pauli exclusion principle?
एक ऑर्बिटल में आपने दो इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को जब फिल करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करना है, जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल करना है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में फिल करना है। जैकलिन ओके, एंड द थर्ड रूल इज हंट्स रूल। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि अगर आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट मींस जैसे पी के तीन ऑर्बिटल्स हैं, तो हमने कैसे इनकी फिलिंग करनी है, पहले सबको क्या फिल करना है, सिंगली फिल्ड करना है, देन हमने क्या करनी है इनकी पेयरिंग करनी है, एंड दैट टू विद द ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, तो जब हमने फिलिंग भी करनी है तो हमने ये तीनों रूल्स याद रखने हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफबॉ प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, डैट टू विद द ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, ऑफबॉ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करना है। एंड हंट्स रूल क्या कहता है, जब हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि जब सबकी एनर्जी सेम है, तो सबको पहले सिंगली सिंगली फिल करो, फिर उसके बाद उनकी क्या करो, डबलिंग करो। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आते हैं। अब इसमें से स्टेबल कौन सा होगा, बॉन्डिंग वाला स्टेबल होगा या एंटी बॉन्डिंग वाला? बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दैट मींस द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी हैविंग लेसर एनर्जी। तो हमने जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम शो करना है तो हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, whenever we have to represent the molecular orbital diagram, हम सबके लिए बनाएंगे, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, जहां पर ये वाला पार्ट जो है that is actually given to the bonding molecular orbital और ये वाला anti bonding molecular orbital। इसको नीचे क्यों लिखा है पता चल गया, because it is having lower energy। ठीक है, जितनी कम energy उतनी ज्यादा क्या होगी, stability होगी। Lower is the energy, more is the stability। क्योंकि ये attraction से बना है, ठीक है, और ये repulsion factors यहाँ पर count हो जाते हैं, right? यहाँ तक clear हो गया bonding and antibonding का concept। अब मैं आपको filling सिखाती हूँ। Let's do the filling of the electrons। स्टार्टिंग फ्रॉम दी हाइड्रोजन एटम, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम्स में से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन एक तरफ यहाँ पर रखना है, एक तरफ यहाँ पर रखना है। We have to form the hydrogen molecule, H2 molecule form करना है मैंने, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है ये। एक हाइड्रोजन एटम मैंने यहाँ पे रख दिया है, एक हाइड्रोजन एटम मैं यहाँ पर रख दिया। ये दोनों जब कंबाइन कर जाएंगे तो आपको क्या देंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा 1s1। अच्छा एक बात और, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिग्मा और पाई। तो एंटी बॉन्डिंग होते हैं हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार पाई। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं जैसे एस हो गया या पी जेड वाले जो ऑर्बिटल्स हो गए हैं, वो सिग्मा बॉन्डिंग में जाते हैं। पी एक्स पी वाई वाले जो है वो किस में जाते हैं, पाई बॉन्डिंग में जाते हैं। ओके, अब इसमें कौन सा है, एस है, यानी कि ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1s1 एंड हियर इज आल्सो 1s1। ओके, अब यहाँ पर जब हमने रिप्रेजेंट करना है तो वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज सिग्मा 1s। ओके, हियर सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि ये बॉन्डिंग वाला हो जाएगा और ऊपर वाला कौन सा ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग। ओके, एक बॉन्डिंग है और एक एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हुआ यहां तक? अब एक इलेक्ट्रॉन इसका है,
एक इलेक्ट्रॉन इसका है, 1+1 कितने हो गए 2। अब हमने 2 की फिलिंग करनी है इसमें। अब मुझे आपने ये बताना है कि 2 की फिलिंग मैं ऐसे कर सकती हूँ, 2 की फिलिंग मैं ऐसे कर सकती हूँ कि नहीं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी हमने क्या रूल पढ़ा है? हाँ जी, अभी हमने क्या रूल पढ़ा है कि पहले जो सिंगली फिल्ड है, जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसको आपने क्या करना है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिल हो जाएंगे, फिर हमने ऊपर जाना है। पढ़ा ना अभी? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, ओके, एंड दैट टू विद द ऑपोजिट स्पिन। तो जब तक यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरेंगे, हम ऊपर वाले एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया? ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, आप इनको यहाँ पर शो कर सकते हो, 1+1 2 मैंने फिल कर दिया। ओके, 1+1 मैंने 2 फिल कर दिया। अब हमने कुछ मेन चीजें इनकी लिखनी होती हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी विल बी रिप्रेजेंटिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहली बात, बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर लिखते हैं, ठीक है? हम हर एक के लिए ये 3-4 चीजें जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम ऐसे बनाते हैं ब्रैकेट्स, सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम इसमें फिल किए हैं आपने? 2। तो ऐसे करके रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, समझ आ गया? अब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, ट्रिपली बॉन्डेड है, कितने बॉन्ड्स है, ठीक है? तो बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालने का क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 1। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो दैट इज कंफर्म फ्रॉम द बॉन्ड ऑर्डर। नाउ कमिंग टू द थर्ड इज मैग्नेटिक कैरेक्टर। थर्ड इज मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर में हम 2 चीजें देखते हैं, कौन कौन सी? नमन, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बताते हैं हम? हाँ जी पुत्र, बोलो। मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बताओगे आप? It will be expressed in the form whether it is paramagnetic or diamagnetic. ठीक है? तो magnetic character is expressed in the form of paramagnetic or diamagnetic character. Paramagnetic means the electron is not paired. यहाँ जिसमें पेयरिंग नहीं होती है वो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। डायमैग्नेटिक व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दिस फॉर्म्स द डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है? अब इसमें बताओ, इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? दैट इज डायमैग्नेटिक, क्योंकि इस वाले में दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, पेयर्ड है, सो दैट इज डायमैग्नेटिक इन करेक्ट। क्लियर हुआ? समझ आया? ठीक है, राइट। चलो, अब हीलियम के लिए आपने खुद करना है,
सॉल्व फॉर द हीलियम एंड कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर. हीलियम मॉलिक्यूल बनाओ और उसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ बेटा मुझे. स्टार्ट डूइंग फॉर द हीलियम मॉलिक्यूल एंड गिव मी द बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. चलिए, हाँ जी, जीरो बॉन्ड ऑर्डर. व्हाट जीरो इंप्लाइज? दैट मींस उनके बीच में बॉन्ड ही नहीं है, तो यानी कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है. अगर बॉन्ड ही नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दैट मींस. ओके, तो हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि जो नोबल गैसेस हैं वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करती हैं. ओके, तो जो नोबल गैसेज आप उनको ऐसे लिखते हैं ना, एच ई, हीलियम, नियॉन, यू डोंट राइट लाइक दिस, ऐसे नहीं लिखते हो. दैट मींस वो सिंगली एग्जिस्ट करती है. राइट, नाउ कमिंग टू द थर्ड इज लिथियम. बनाइए, लिथियम का सेम आ जाएगा. पी किसमें स्टार्ट हो रहे हैं? पी किसमें स्टार्ट हो रहे हैं? बोरोन से स्टार्ट हो रहे हैं ना पी. 1s2 2s2 2p1. चलो बोरोन वाला करते हैं. एस वाले अब आप खुद कर लोगे, ठीक है. पी वाले स्टार्ट करते हैं अब. Let's start with the boron. Boron की configuration है 1s2, 2s2, 2p1. ठीक है? अब मैं क्या करूंगी? See, now it's MCQ, तो हमें ये सारी चीजें आप साइड पे करोगे क्योंकि आपने सिर्फ ऑप्शंस में से कोई करेक्ट आंसर लिखना है. ठीक है? बट वेन इट्स सब्जेक्टिव, जब सब्जेक्टिव हो जाता है सेकेंड टर्म में, जब आपको सब्जेक्टिव आएगा, so we will be representing this configuration also, but मैं यहाँ पर नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये fully filled है. आपने जब पेपर में शो करनी है आपने यहीं से स्टार्ट करना है. पहले आपने 1s बनाना है, then you will be forming 2s, फिर यहाँ पर आपने बनाने हैं 2p. तो आपने पेपर में पूरी स्कीम के साथ चलना है. ओके, राइट. चलो ऐसे कर देते पहले. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद 1s फर्स्टली. ये आपका 1s ऑर्बिटल हो जाएगा. दिस इज 1s2, दिस इज 1s2. यहां पर एक बोरोन एटम है और एक यहां पर बोरोन एटम, राइट. 1 and 2, 1 and 2. देखो, ठीक है. अब जब हमने इनके बीच में फिलिंग करनी होती है, ये जो साइड वाले जितने इलेक्ट्रॉन्स है प्लस कर लो, कितने हैं? 2 plus 2, 4. 4 की फिलिंग स्टार्ट करो. नीचे में 2 जाएंगे, ऊपर वाले में 2 जाएंगे, हो गई फिल. ठीक है, सो दैट इज सिग्मा स्टार 1s and this is sigma 1s. Clear? अब ऊपर चलते हैं 2s पे. So that is 2s orbital. हाँ जी, ठीक है बेटा. दिस इज 2s ऑर्बिटल. अब 2s में भी 2s2 है. तो इधर हमने ये वाले के बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जानी है, इधर हमने ये वाले बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जानी है. ठीक है, अगेन इट इज 4. तो मैं तभी आपको कह रही थी कि आप ये खुद बना सकते हैं क्योंकि ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं.
यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी फिल्ड है, दो इधर बनाने हैं, दो इधर बनाने हैं, सिंपली आपने फिल कर देंगे. ओके, तो डेट इज सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s. क्लियर? कमिंग टू द थर्ड पार्ट नाउ, वेयर वी हैव टू राइट द p ऑर्बिटल्स. तो p आपको पता है तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से? 2px, 2py एंड 2pz. जिसमें से x और y कौन से होते हैं? पाई होते हैं. और z कौन सा होता है? सिग्मा वाला होता है. ठीक है, तो अब हम वो रिप्रेजेंट करेंगे. यानी कि मुझे दो अलग बनाने पड़ेंगे, दो अलग होंगे, एक अलग होगा. ठीक है, जो x y वाले होंगे वो अलग होगा और जो z वाला होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है, तो वी विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस. ठीक है, जहां पर हम नीचे कौन से लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग द एक्स नीचे एंड वाई जो जेड वाला है वो ऊपर लिखेंगे. ओके, एंड सिमिलरली एक्स नीचे और जेड. ठीक है, क्लियर हो गया. अब देखो ये दोनों पाई हैं, तो इट विल बी पाई 2px. दिस इज पाई 2p, दिस इज सिग्मा 2pz. सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ना ये. अगेन दिस विल बी पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड इट विल बी सिग्मा स्टार. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इधर बनाने लगी हूँ. हाँ जी बेटा, किसमें? पीएक्स में क्या है? सॉरी, मेरे को समझ नहीं आता क्वेश्चन. हाँ, ये भी तो बॉक्सेस ही हैं, क्योंकि तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ना पी में. पी में पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल. ये आपको सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करना पड़ेगा. यहाँ से अभी ये हम सेकंड चैप्टर में सारा पढ़ के आए हैं, डेट पी ऑर्बिटल्स दे आर क्लासिफाइड एज पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. जहां पर ये दोनों जो है वो हेड ऑन साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, ये मैं बताऊंगी, इसी चैप्टर में आएगा ओवरलैपिंग का कंसेप्ट. साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं इसीलिए ये पाई बॉन्ड में जाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट लैपिंग करता है इसीलिए ये सिग्मा बॉन्ड में जाता है. ठीक है, ये चैप्टर मैंने एक्चुअली पीछे से स्टार्ट किया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से. ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको ये थ्योरी क्लियर होती जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास तीन ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, तो ये मैंने तीन लिखे हैं यहाँ पर. अगेन हेयर ऑल्सो आई एम हैविंग थ्री ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. कौन सा पी है? टू पी है, तो टू पी एंड मैं इसको यहाँ पर लिख रही हूँ सारा. वहां पर छोटा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिख रही हूँ ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दिख जाए. ओके, बाकी सारी चीजें सेम है, राइट? अब p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक यहां पर लिखेंगे, एक यहां पर लिखेंगे. वन प्लस वन टू, टू फिल करने स्टार्ट करने हैं हमने. अब देखो इधर से, इधर से कौन सा रूल लगेगा? हंड्स रूल लगेगा. हंड्स रूल क्या कहता है? पहले सबको सिंगली फिल्ड करो, फिर उसके बाद उनकी क्या करो? पेयरिंग करो. ठीक है, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन थे, तो एक यहां पर फिल कर दिया, एक यहां पर फिल कर दिया. ओके, बस खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, राइट? पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लेट्स राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा? सिग्मा वन एस, सिग्मा वन एस, सिग्मा स्टार,
आगे ठीक है, इसमें से एक एक्स ऑर्बिटल था, एक वाई ऑर्बिटल था, तो एक एक्स में गया, एक वाई में गया। अब लाइक आई टोल्ड यू कि जब फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, अब ये सारी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो नीचे वाला है ना सिग्मा वन एस और सिग्मा स्टार वन एस, इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बजाय कई बार हम सिंपली उसको नोबल गैसेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते थे ना छोटी क्लासेस में। अभी भी जैसे मैंने आपको सेकेंड टर्म में भी बताया, सेकेंड चैप्टर में भी हम ऐसे लिख देते थे आर्गन, उसके बाद बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेम वे मैंने अगर इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है तो ये जो पहले दो हैं इनको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ बाय के एंड के। ठीक है, अगर मैंने नहीं लिखनी इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन तो ये सिग्मा जो वन एस है और सिग्मा स्टार वन एस है इनको मैं के से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। नाउ टेल मी द बॉन्ड ऑर्डर, टेल मी द बॉन्ड ऑर्डर नाउ। हाफ ऑफ, अब ये देखो इधर, अगर तो पहले वाले सारे फिल्ड हैं तो हमने सिर्फ ये वाले देखने हैं क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ये भी फील्ड है ये भी फील्ड है, 2 माइनस 2 करोगे 0, ये भी फील्ड है ये भी फील्ड है, 2 माइनस 2 करोगे 0, तो एक्स्ट्रा लिखने का कोई फायदा ही नहीं है इनको। ठीक है, सो जहां से हमारे अनपेयर्ड हैं हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो डैट इज 2 माइनस 0 डैट इज 1। तो बोरोन और बोरोन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ओके, सो नाउ इन दिस कंटेक्स्ट राइट डाउन अच्छा पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, दैट इज पैरामैग्नेटिक क्योंकि दो सिंगल ऑर्बिटल्स हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है ना दो। ठीक है, अब इसमें लिखो N2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, अब आप सीधा नाइट्रोजन का बनाओ, बना लोगे अब बाकी बीच वाले स्ट्रक्चर सेम वे से बनेंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन का बनाओ जरा, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2, सेम वे से बनाना है हमने। N2 से पहले C का बनाना, कार्बन का बनाना, N2 का बना लोगे, बनाओ चलो क्योंकि मैं आपको यहाँ पे चार्ज स्पीशीज भी बताऊंगी ना। N2 सबसे पहले नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो साइड पे, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2p3, ये फील्ड है 1s2, 2s2 भी फील्ड है, रब कर दूं मैं इसको, अब ये वाला फिल करना है हमने। सो हेयर दिस इज 2p एंड दिस इज ऑल्सो 2p, ये 2p3 है, ये भी 2p3 है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 की फिलिंग करनी है इसमें हमें। ठीक है, सारे बॉन्डिंग में आ जाएंगे, इट विल बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक है, बाकी मैं आपको आयंस की कल बताऊंगी कैसे।